हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आए वो न्यूज़ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का एक तहलका है दोस्तों। जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि जीवन भर की कमाई इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव में ना जाने कितने निवेशकों ने गंवा दी है, जिसको लेकर हमारे पास ये न्यूज़ आई है दोस्तों। इस न्यूज़ को देखते हैं कि ये बड़ी न्यूज़ क्या तहलका मचाने वाली है। बिजली महकमे की नौकरी से रिटायर हुए 75 वर्षीय हरियाणा मीठा के चेहरे की चमक बुरी तरह बुझ चुकी है और भाव शून्य चेहरे की पर खुशी की कोई रेखा अब शायद ही कभी उभर पाए। सेनावृत्ति के बाद मिली 10 लाख की रकम उन्होंने जमा करवाया दी थी। इस बीच गांव के किसी सगी साथी ने उन्हें फटाफट रकम दुगनी करने की राह सुझा दी। हरि नारायण भूल गए थे कि बचत के रोमांस में जोखिम से बचाए रखना चाहिए। बुढ़ापे का आसरा देने वाली जमा पूंजी को कमोवेश सुरक्षित फंड में लगाना चाहिए, लेकिन प्रलोभन के प्रभाव में आए हरि नारायण ने 10 लाख की जमा पूंजी बैंक से निकालकर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव संजीवनी में फिक्स डिपॉजिट करा दी। भारी मुनाफे की आस लगाए हरि नारायण के तोते जब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि बुरी तरह से ठगे गए हैं। संजीवनी सोसाइटी के कर्ता धर्ता तो फर्दीवाड़े की डैनों पर सवार गित थे, जो न जाने कितने लोगों को कंगाल कर गए। इस सदमे में हरि नारायण को अवसाद में धकेल दिया और पत्नी विक्षिप्त कर दिया है। अब बेशक हरि नारायण की आवाज़ पुलिस प्रशासन के गलियारों से लौट फिर कर फिर उन्हीं को डस रही है। जोधपुर के पटवा इलाके की कमला देवी 4 लाख की ठगी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मौत के कालग्रास में समा गई। ठगी का अब सगुनी गीत जयपुर की पिंकी के परिवार की ड्योढ़ी पर बैठा है और निवेश किए गए 22 लाख ले उड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये पिंकी का जो यहाँ पर जिक्र आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि ये केवल 3 बहनें और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, और ये शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था ये 22 लाख रुपया इस वक्त इन ठग कंपनियों के जालसाजियों में फंसा पड़ा है। तो दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि आज निवेशकों के हालात बद से बदतर हैं और अभी तक निवेशकों को पैसे देने की कोई राह सूझती नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों, आगे खबर है कि फिलहाल उनकी उठापटक ने SOG को मुस्तैद कर दिया है। ठगों की टकसाल को खिलखिल करने में SOG कितनी कामयाब हो पाती है, इसका तो फिलहाल इंतज़ार करना होगा। अलबत्ता SOG के इस खेल की नब्ज़ टटोलना तो शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत का शगुन अच्छा ही हुआ है। 2 लाख निवेशकों से 1,000 करोड़ की ठगी करने वाला विक्रम SOG के हत्थे चढ़ चुका है। विक्रम सिंह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रबंधक निदेशक बताया जाता है। आखिर क्यों कर संजीवनी ने खम ठोक कर बड़े पैमाने पर जाल फैलाया होगा। संजीवनी के सूत्रधारों ने राजस्थान में 211 और गुजरात में 26 शाखाएं खोल ली। राजस्थान में 953 लोगों के साथ ठगी की गई, गुजरात में 50,000, और विक्रम सिंह को गिरफ्तार हुआ तो उसके 4 साथी देवी सिंह, किशन सिंह, शैतान सिंह, नरेश सोनी भी धर लिए गए। इतनी बेशुमार दौलत का उन्होंने क्या किया, ये रहस्य चौंकाने वाला है। जालसाजों ने निवेशकों की रकम रियल इस्टेट कंपनियों और फार्मों में लगा दी और नई से नई कंपनी खोल ली। दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़मीन खरीद ली और न्यूजीलैंड में भी एक होटल बना लिया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये पसंद न्यूज़ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का